दादा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आ जाओ आ जाओ, एक्टिव विंडो आ जाओ। गुड इवनिंग सर, कविता, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आ जाओ हर जाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो टाबरो, बेटी का बापू, के चाल रहे हो? वैदिक सभ्यता हैज बीन रनिंग। क्या चल रहा था? हमारी वैदिक सभ्यता चल रही थी। एक मिनट में मैं वैदिक सभ्यता का रिपीट मारता हूँ, इतने में आपका भी साथ साथ में रिपीट हो जाएगा कि कल मैंने क्या बताया था वैदिक सभ्यता के अंदर। सबसे पहले तो इसका सन कब से कब तक है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। सबसे पहले नाम वैदिक, वैदिक नाम वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान की बातें हैं। कहता है मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं तीबे जी हूँ, मैं दुबे जी हूँ, क्योंकि वेदों में सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ है। भूगोल वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते। अरे ये बात आज बोलो, कौन से गुरु जी? भूगोल के दो हैं, आप कौन से सर की बात कर रहे हो पहले तो ये बताओ। भूगोल के राजस्थान भूगोल वालों की बात करो या इंडिया भूगोल वालों की, पहले तो ये बताइए। और जो नहीं लिखवाते आप उनके कमेंट करो कि सर हमें लिखवाओ और गुरु जी की तरह, ठीक है? तो उनको ही कह दिया करो। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसमें कौन सी जाति थी उस समय? आर्य जाति थी। आर्य का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, हे आर्य पुत्र। फिर हमने बताया कि वेदों को दो भागों में, वैदिक सभ्यता बहुत लंबी है, इसे दो पार्टों में बांट लेते हैं। एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल के अंदर एक वेद पढ़ा जाएगा ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल के अंदर दो वेद, तीन वेद बाकी बचे वो पढ़े जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद पढ़ेंगे। अरे वाह सर, ऋग्वेद पूरा पढ़ांगा, मुना पूरा पढ़ता, 12 ही महीना लगा, तनिक तो टाइम है गे पूरा पढ़ने। सबसे प्राचीन वेद, ऋक् से बना हुआ शब्द है ये ऋग्वेद। प्राचीन बोलने वाला ऋग्वेद को जो पंडित बोलता है, मंत्रों को ऋचा, जो ऋचाओं को बोलने वाले पंडित को होत्री कहा जाता है, यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ठीक है? वेद ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। अब हम ऋग्वेद के मंडल का मतलब ये मान लो एक यूनिट है, यूनिट के अंदर ये लेसन है, लेसन के अंदर ये बातें ऐसे मान लो। जैसे नहीं होती है, मुगल काल एक यूनिट है, उसमें सिर्फ जहांगीर बाबरी दो ही दिए गए हैं, तो ये एक तरीके की यूनिट है। अब हम 10 के 10 मंडलों को पढ़ेंगे। गुरु जी तो की याद करना पड़ेगा, नाम ना ना, तू टेंशन ना ले, इंपॉर्टेंट जो है वही याद करने। बता मैं सारे दूंगा, बता। राजस्थान भूगोल वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते, ठीक है? चेतन कुमार माही, आप डीपी शर्मा जी की बात कर रहे हो तो आप भी कह देना, मैं भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दूंगा, लिखवा देंगे, ठीक है? पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, ठीक है? छठा मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल, 10वां मंडल। यानी मैं नाम नहीं लिख रहा, ये प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय, आप समझ जाना, 1 2 3 4 मैंने डाले। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि किस मंडल में क्या है। सबसे पहले हम इंपोर्टेंट मंडल पढ़ेंगे। तीसरा मंडल इंपोर्टेंट है, सातवां मंडल इंपोर्टेंट है, ठीक है? नौवां मंडल इंपोर्टेंट है, 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है, बाकी आप याद करो तो कर लेना, इतनी तो आपके लिए बड़ी ही जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहला मंडल, सॉरी, तीसरा, सातवां, नौवां, दसवां, किस मंडल में क्या बातें हैं वो चीजें देखते हैं। तीसरा मंडल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मंडल में है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। विश्वामित्र जो प्रथम धर्म गुरु थे, उन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा। ओम भूर भू स्वा तत्सवितुर वहे नम हरगो देव सिद्धि वही धियो यो नह प्रचोदया। यानी ये जो मंत्र है, हो सकता है मैंने जो उच्चारण किया वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मंत्र बोलना कोई ऐसे आसान कार्य नहीं होता। फिर भी सबको याद है कि गायत्री मंत्र बड़ा ही अनर्जेटिक मंत्र है। आप इसका एक बार उच्चारण करो, आपके अंदर एनर्जी ना आए तो कह देना, ओम भूर भू स्वाहा तत्सवितुर्वहे नम हरगो देव सिद्धि वही धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब आरएस में क्या आया 2010, उस आरएस में आया कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, और टाबल ठोक के आ गया गायत्री नहीं समर्पित है। अरे बावड़ी त्रेड, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? ओम सबसे पवित्र शब्द है, दुनिया का सबसे पवित्र शब्द यही है। इस शब्द में पूरे ब्रह्मांड की ताकत समाई हुई है, ओम शब्द में। जिसे ओम बोलना आता है उसे 11 स्वरों का उच्चारण आता है, ओ ऐसे करके, हमें तो बोलना ही नहीं आता भैया। तो ओम दुनिया की, ओम भूर, ये गायत्री मंत्र भी बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र ऐसे ही नहीं होते, मंत्रों में ताकत हुआ करती थी। उन मंत्रों को ताकत तभी आती है जब हवन कुंड द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाता है, वरना तो महामृत्युंजय मंत्र में आपको बता दूंगा, ओम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ऐसे करके महामृत्युंजय मंत्र है। क्या ये मंत्र बोलने से आप अमर हो जाओगे? नहीं, इस मंत्र की सिद्धि करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। गुरुजी नारायण जी, यार पॉलिटिक्स जोड़ दे, जोड़ क्यों दिया, दोबारा करवाऊंगा। ओम भूर भूस्वा तत्सवितुर्वहिनम धियो यो नः प्रचोदयात। तो गायत्री मंत्र जो है वो बड़ा ही किसको समर्पित है? पहले के समय समय कैसे होता था? तो यहां थोड़ी हो, तो थोड़ा क्या टाइम हो गया रहा है, घड़ी में देख के बता दियो 12 बज गया, नाम ना ना, ऐसे नहीं होता था। आपके हिंदी में कभी आपने पढ़े होंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? निशित। सुबह सूर्य उदय से 2 घंटे के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो समय ऐसे होता था, गोधूलि वेला ये एक समय था। बोल कद आयो रे, बोल गो धूलि वेला मैं। आज तो आप कहते 4 बजे आया था, 5 बजे आया था, उस समय 4-5 होते ही नहीं थे, गो धूलि वेला। हाँ अच्छा, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है क्या आज? हाँ बिल्कुल, 19 जनवरी 1597। सर कटे और धर लड़े इतिहास बताता है, खुददारी से जीना केवल राजस्थान से खाता है, या राणा सा देशभक्त चेतक की स्वामी भक्ति है, और घास की रोटियां खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। तो चौथा मंडल अत्रि ऋषि को, अरे बता देंगे, चिंता क्यों करे, मैं सारा बता दूंगा। हाँ चलो देखो, किसको समर्पित है? गोधूलि वेला कौन सी होती थी पता है? गोधूलि वेला होती थी जब गायें चर के वापस आती थी, यानी गोधूलि वेला कह सकते हैं सूर्यास्त से थोड़ा सा, सूर्यास्त का समय मान लो एक तरीके से गोधूलि वेला। तो गोधूलि वेला वैसे समय होता था, सूर्य के अनेक रूप है, सुबह का सूर्य अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है, तो सूर्य के भी अलग रोल है। तो सुबह के सूर्य को बोला जाता है सैमृता। तो किसको समृत है? या तो सूर्य याद रख लेना या सैमृता। सर इसको क्यों बनाया? इस मंत्र को बनाया गया था अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। विश्वामित्र द्वारा है, अनार्य ना आर्यम कन्वर्ट कर दो, चेंजिंग कर दो, हाँ धर्म परिवर्तन कर दो। हाँ तो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए इस मंत्र को किया गया था। किस मंत्र को? ओम भूर भूस्वा तत्सवितुर्वहिनम नमः अर्घो देव से। अरे ताकत मिलती है इस मंत्र को बोलने से, कोई मानो मिलना चाहिए आपने कि ये बोल लिया। हाँ सज्जी फैसले टाकला जाए तो पेपर में न्यू ईयर की पबजी प्ले लिस्ट में एक ज्योग्राफी का वीडियो है, 5 आपकी राजस्थान हिस्ट्री की वीडियो है, राजस्थान हिस्ट्री का 5 ही बैगा, तो अभी 5 ही क्लास हुई है। हाँ अत्रि ऋषि हो चौथो कौन पांचवे, अरे बता लाग रही हूं मैं कौन सुखी है। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र को याद करना है, गायत्री मंत्र के बारे में प्रश्न आ जाता है क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ये। तो गायत्री मंत्र जो है वो किसरे मंडल में है? तीसरे मंडल में है। इसके बाद हम जिक्र करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है सातवां मंडल। सातवां मंडल भी बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है, क्यों? क्योंकि 7-10 इसमें एक युद्ध का वर्णन है जिसका नाम है दासराज्ञ युद्ध। पहले हम इंपोर्टेंट पढ़ रहे हैं, फिर बाद में सारे कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा। दासराज्ञ युद्ध का वर्णन है इसमें, ठीक है। सर ये क्या लोचा है? आज अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री एक पद है, तो प्रधानमंत्री मतलब उस समय प्रधानमंत्री की जगह राजा होता था, तो आज प्रधानमंत्री की जगह और बड़ा पद कौन सा है? प्रधानमंत्री बाद में बढ़िया पद जगह खाता लोग तरस है, तो गृहमंत्री मान लो, गृहमंत्री जी को पद है नहीं, वो तकड़ो पद है जी। आपने राजस्थान में जी गृहमंत्री वित्त मंत्री अंग पद देख लियो, गहलोत आपका नहीं है, दूसरे ने कौन दिया नहीं, तो यह बहुत बड़ा पद हुआ। तो राजा के बाद में उससे सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था पुरोहित। क्या आपने रामायण देखी है? रामायण भगवान राम के 2 गुरुओं के नाम आते हैं, एक विश्वामित्र का नाम आता है, एक वशिष्ठ का आता है, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। वशिष्ठ
इन दोनों गुरुओं का नाम रामायण के अंदर आता है, ये दोनों ही भगवान राम के गुरु रहे हैं। हाँ, एसएससी सीजीएल का नहीं है बेटा, कल्चर वाले सर नोट्स, कल्चर वाले तो लिखवाते हैं भाई। राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति सासुआ लिखू है की गुनी है। फूफा जी, इन फूफा जी, आपने फूफो जी कितनी इज्जत है, होना जरूरी है फूफो जी ब्याह में, लेकिन भाई जी फूफो जी मना कर दें तो ब्याह टले को नहीं, फूफो जी रूसियो बैठे हो। राष्ट्रपति की तो भाई हालत है टापरो, सासू अगली बू है राष्ट्रपति, तो फूफो जी है, प्रधानमंत्री के अंडर में होता है सब कुछ, वही होता है सर्वे सर्वा, राष्ट्रपति तो नाम मात्र को वह, फूफो जी है वो रूस है तो रूस, जो बोले जो काम होना है तो वो तो होगा। तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री कौन है, अमित शाह है, वो मेन पद वो है टावरों, थे जत बलागो नहीं वो पद लेना की गण बढ़िया बात हम, ठीक है, जिसका राजनीति कैरियर खत्म करना है उसको राष्ट्रपति बना के छोड़ देते हैं। चलो देखो, तो विश्व अब क्या हुआ, पुरोहित एक बड़ा पद होता था, ठीक है, अब राजा हो सुदास, भरतवंश का राजा था सुदास, उसने क्या किया, विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटा दिया, बोलते हो काम थोड़ा मन सही को लाग रहे हो, और किन बना लियो, वशिष्ठ ने बना लियो, और बनाता है विश्वामित्र आयो गुस्सेम, और गुस्सेम आगे भारत के सभी राजाओं के पास गया, यानी 10 राजाओं कन गयो, बोलो मेरे ब्राह्मण सागर गलत हो भाई, मेरे इतो बड़ो पद छीन लियो भाई साहब, मन तो आडवाणी बना के छोड़ दियो। जब फिर 10 राजा भेड़ा करके विश्वामित्र ले आए, और परुसनिया रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, इसमें कौन जीता, इसमें सुदास की विजय हुई थी, त्रितुवंश या भरतवंश से था, इसमें सुदास की विजय हुई, इसमें 3 अनार्य कबीले भी लड़े थे, तो उनके नाम याद रखो तो मैं बता दूंगा, और ये शक्तिशाली जो राजवंश था वो था पुरु। जबकि एक इतिहासकार है डीडी कौसाम्बी, वो कहता है नहीं जी, इस नदी जल पर अधिकार करने के लिए ये युद्ध हुआ था, और हम लोग क्या मानते हैं कि इस घटना की वजह से ये युद्ध हुआ था, जो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध है, 8वें मंडल में युद्ध का वर्णन है, कौन सा 8वें मंडल में, अरे सलीम खान की एक रहे या तू, दासराज्ञ युद्ध का वर्णन जो है वो 7वें मंडल में, 8वां मंडल तो कड़व ऋषियों संबंधित है। सलीम खान तू आप भी भ्रमित हो रही है, मन्ना और भ्रमित करे, लेट हो गई सर प्रीति, कोई बात नहीं लेट हो गई तो अब पढ़ ले, ठीक है आगे चलो। फिर कितने मंडलों का जिक्र कर लिया, 7 मंडलों का, सॉरी 7वें मंडल का, यानी तीसरे का गायत्री मंत्र, गायत्री शब्द में ही 3 शब्द है उसी हिसाब से याद रख लेना, 7, 10, 7वें मंडल में दासराज्ञ युद्ध का वर्णन है, अब एक 9वां मंडल और एक 10वां मंडल, ये भी 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है, अंगिरा ऋषि से संबंधित है, 144 सूक्त है, सोम देवता यानी सोम जो है वही छाटियो दारूडी, यानी स्पेशलिंग मंडल और बना रखे है। हाँ कमेंट चालन तो लाग रहे है, तो गुरुजी कल्चर वाले सर नोट्स नहीं लिखवाते, कल्चर वाले नहीं लिखाते ऐसा तो नहीं है, कह देंगे उनको 7वां मंडल, हाँ आरएस मैन कैसे तैयार करें बाद में बताऊं, 7वें 9वें मंडल में सोम देवता वो छांटिए गो, और कहते हैं कि ये जो दारू है वो कहाँ मिलती थी, सोम रस कहाँ मिलते थे, वो मिलती थी हिमालय की मुंजवत चोटी पर, 3 वर्ष जो ग्रस्त जीवन जीतो नहीं वो छांटियो ले इसको, बाकी को ले नियम और हो, तो याद ये याद रखना जरूरी है, 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल के अंदर सोम देवता का वर्णन है, सोम हिमालय की मुंजव चोटी और सोम के लिए 144 सूक्त है, ठीक है। हाँ जी दीपक जी, शिक्षण विधियां दो, शिक्षण विधियां देख ये आप ही कराओगा, करवा देंगे शिक्षण विधि, और लास्ट है 10वां मंडल, लास्ट और इंपोर्टेंट मंडल 10वां मंडल, इंगमा कई सूक्त है लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त यो थोड़ो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 पुरुषों की उत्पत्ति का उल्लेख है, 4 जातियां भी टेम देखो टावरो के होया कर, तो जाति किया बनेड़ी पहली तो आ चीज समझो, देखो पुरुष सूक्त में यह कहा गया कि पुरुष कैसे बने, जैसे हम लोग कैसे बने, उसने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बने, मुख से बनने का मतलब यह हुआ कि मुख का कार्य, यानी मुख का कार्य क्या है, बोलने का काम, पढ़ाने का काम, यह काम पुराने समय में किन का था, ब्राह्मणों का था, और भुजाओं से कौन उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, किसकी, ब्रह्मा की, तो क्षत्रिय का मतलब भुजाओं से लड़ा जाता है, तो लड़ने का कार्य किन का था, रक्षा करने का कार्य किसका था, क्षत्रियों का था, तीसरा काम जांगों से कौन उत्पन्न हुए,
वैसे यानी क्या काम, व्यापार करना। पैरों से कौन उत्पन्न हुए, सूदर, यानी पैर का काम क्या होता है, पैर का काम होता है शरीर की सेवा करना। तो अब जैसे वर्तमान में हम बात करें तो कितनी जातियां हैं वर्तमान में, एक जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये जातियां हैं वर्तमान में। तो उस समय देखो, उस समय इन तीन जातियों को छोड़ के बाकी सभी जातियां किस में आती थी, शूद्र में आती थी। जैसे कोई खाती का कार्य कर रहा है तो उस समय वो बढ़ई जोगता था, वो शूद्र में आता था। कोई नाई का कार्य कर रहा है वो शूद्र, यानी वर्तमान की जो ओबीसी एससी एसटी है वो उस समय किस में आते थे, शूद्र के अंदर आते थे। और ये तीन जातियां जो थी वो अलग से थी, यानी बाकी सभी जातियों को वर्तमान के दृश्य से देखे तो उस समय जो है ओबीसी एससी एसटी वर्तमान की किस समय काउंट हो गई, उस समय शूद्र में। जातियां कैसे बनी, शुरुआत में जातियां कैसे बनी और अब क्या हुआ। कदर चढ़ा था जब देखा खुद को तो गौर आईने में, तो दुनिया की भीड़ में अकेला खड़ा था, रैपिडले किसी शायर बने अंग बीच में, हाँ अच्छा डीपी से लिखवाते नहीं तो चलो कहते हैं, ठीक है अब सुनो जातियां कैसे बनी। हाँ राजनीति क्लास नहीं है कि आज मैं कह दूंगा राजनीति आ जाएगी, तो टाइम टेबल में गड़बड़ हो रही थी कि कहां लगाएंगे, ये समस्या आ रही। देखो जो आदमी जैसा काम करेगा वही जाति होगी, स्पेशल बनाई नहीं गई है। उस समय एक घर में चारों जातियां मिलती थी, यानी जाति उस समय कर्म पर आधारित थी। और मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान की जाति क्या है, वर्तमान जाति जन्म पर आधारित है, उस समय कर्म पर आधारित थी। मान लो एक घर में कोई पंडिताई का कार्य कर रहा है वो पंडित हो गया, कोई फौज पुलिस में चला गया वो क्षत्रिय हो गया, किसी ने दुकान खोल ली वो वैश्य हो गया, और कोई अन्य काम के लग गया वो शूद्र हो गया। यानी एक घर में चार चार जाति, क्योंकि ऐसा उल्लेख भी आता है भी बहुत सारे, मेरे पिता वेद हैं, मैं ये हूं, मेरी माता गृहिणी है, इसका मतलब एक घर में चारों जाति है। यानी जाति किस पर आधारित हो गई, जो जैसा काम कर रहा है उसकी वही जाति हो गई। वर्तमान में जाति है कर्म आधारित, सॉरी जन्म आधारित। ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला वर्तमान में ब्राह्मण ही होगा, भले ही वो फौज में चला जाए, भले ही वो कोई दुकान खोल ले, भले ही वो कोई और कार्य कर ले, वर्तमान में ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा। यानी वर्तमान में जाति किस पर आधारित है, वर्तमान में रवि ओबीसी शूद्र नहीं, ओबीसी शूद्र में या बी टाइम का आधार पर बाकी सभी जातियां जो है वो बेटा शूद्र के अंदर ही आती थी। आपको नहीं पता है कई बार को नहीं, शूद्र में से ओबीसी जैसे उस समय खाती का जिक्र है बढ़ई का, तो बढ़ई किस में आते हैं वर्तमान में, ओबीसी में ही तो आते हैं। नाई का जिक्र है वर्तमान में, नाई किस में आते हैं, ओबीसी में ही तो आते हैं। कुम्हार का जिक्र है उस समय, तो वर्तमान में कुम्हार किस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो उस समय ये जातियां किस में गिनी जाती थी, उस समय ये जातियां शूद्र में गिनी जाती थी। यानी इन तीन जातियों को छोड़ के बाकी जितनी भी जातियां वो उस समय शूद्र में आते थे। गुरु जी सुनो थोड़ी सी बात सर, नौकरी अपलोड वीडियो किक है। तो आज जाति जन्म पर आधारित बन चुकी है, धीरे धीरे हुआ ये, शुरुआत में ये कर्म पर आधारित थी, धीरे धीरे ये जन्म पे बन गई। तो वर्तमान में जाति जो है वो जन्म पर आधारित है, उस समय जाति कर्म पर आधारित होती है। रमाकांत जी के खिलाफ कौन बोले, देर कौन बोल रही, वनपाल में आते क्या आश्रम में, वनपाल वाले आते क्यों नहीं, तो सिलेबस तो यही, अरे आज 200 एडमिशन और बचे, हमने जो टारगेट लिया उसको 200 बचे आज कंप्लीट हो जाएंगे, जिसको आना है वो कर देना भाई, बाद में मत कहना सर हमने कोर्स ले रखा है आप हमें, क्योंकि मात्र 200 स्टूडेंट और बचे हैं, दो घंटे पहले ही बात है, तो 100 एक और बचे होंगे, तो उसके बाद आज ये बंद हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो वो तो एक ही सिलेबस है यार, वनपाल, वनरक्षक, पटवारी, सबका एक ही तो सिलेबस है। हाँ कौन बोल रहे रमाकांत जी, ये बात हुई, रमाकांत जी श्रेष्ठ है, अच्छा। अरे वो उस समय के आधार पे, कर्मों के आधार पे होता है। आदमी कभी नीच नहीं होता है, कोई जाति नीच नहीं होती है। हाँ जाति में कुछ नीच जरूर होते हैं जो पूरे समाज को बदनाम कर देते, कोई जाति नीच नहीं है, जाति में कुछ नीच जरूर पाए जाते हैं जो ऐसा काम करते हैं कि पूरी जाति को नाक कटवा दे, वह एक अलग टाइप का वह, बाकी कोई जाति नीच नहीं होती, नीच ऊंच कुछ नहीं होता। क्या रखा है इन बातों में, समझा दिया दुनिया ने मेरी बात में, जब एक हद से ज्यादा, अरे पढ़ ले अच्छे ज्यादा। हाँ चलो, तो अब देखो ऋग्वेद में और क्या क्या है। ऋग्वेद के अंदर अस्तो मा सद्गमय है, अस्तो मा सद्गमय है,
ये कहां से लिया गया है, युद्ध का कंफर्म करता है। वेडी है दासरा की युद्ध सातवें मंडल में, क्या बाप मन्ना और कंफ्यूज कर दिया अभिनय, मतलब कमेंट करके इतना कमेंट कर दिया, इतना गूगल पर ही मार लिया यार, ले ले किन्नो मारा। गूगल सो क्यों बता रहे, गूगल इतनी फैसिलिटी दे रहे थे, यहां कौन मेरे पिताजी का नाम, तो 20 आदमी लिस्ट आ जाएगी, देख ले भाई तेरे पिताजी का नाम की है। दासराग्य युद्ध, दास गिल युद्ध आ गयोगे, दासराग्य युद्ध, दासराग्य युद्ध दस राजाओं का युद्ध, दासराग्य युद्ध है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के सातवें मंडल में। बेटी का बापो बिना मतलब कंफ्यूज करो, तो गूगल पर मार लिया। सातवें मंडल में 7:18, 7:33। अच्छा टाइम और दे रहा कि तब जी हट है, तो दस राजाओं का समय दासराग्य युद्ध बोलने लग गए। ठीक है ज्योग्राफी क्लास शुरू है ज्योग्राफी की क्लास। चलो अस्तो मा सदगमे कहां से लिया गया, ऋग्वेद का बड़ा मंडल जो है। वैसे एक बात बताइए, शुरुआत में ये जातियां नहीं थी, ऋग्वेद का दसवां मंडल बाद में जोड़ा गया, इसलिए माना गया कि ये बाद में है। ठीक है, और बर्मा का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर नहीं है। बड़े एक युद्ध का वर्णन पहले मंडल में भी है, 60,999 राजाओं के युद्ध का भी वर्णन है पहले में। तो बाकी जो मंडल आप याद करो तो कर लेना, मैं 1, 2, 3, 4 सारे लिखवा दूं, लेकिन जरूरी नहीं है। चलो अब लिख लो जल्दी से, क्योंकि कल का भी बाकी पड़ा है, लिख लो। चलो हेडिंग डालो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है देखो, वेद का अर्थ ज्ञान, ज्ञान आर्य का अर्थ सर्वश्रेष्ठ, वेद श्रुति साहित्य। सर श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य का अर्थ ध्यान रखियो, पुराने टाइम में यहां कौन ही होया करता पढ़ाई, हाँ पुराने टाइम में पढ़ाई यहां कौन ही होया करती जी, आज मैं पढ़ाने लाग रही हूं फिर था लिखाऊंगा थे बा नोट सुनो, पुराने टाइम में ये श्रुति साहित्य थे, गुरुजी खुद रटता और रट के गुरुजी चेला रटाया करता, रोजाने एक मंत्र रटाया करता, दो मंत्र रटाया करता कैपेसिटी के अनुसार, तो इसीलिए सुनकर एक दूसरों सुनता चलता रहे लास्ट में डॉट पेन आता ही जब वेदव्यास जी लिख दिया, यानी ये श्रुति साहित्य है। हाँ समझ गए, चल सुने गए हैं, सुनते सुनते चला आगे। ठीक है ऋग्वेद में सब 33 बार है, भारत में आर्यों की पहचान नारकिड जाति से, ऐसे है। ठीक है वैदिक साहित्य में बराबर वेद प्लस ब्राह्मण ग्रंथ आरण्य प्लस उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, आते हैं ये कई बार पूछ लेते हैं। वैदिक साहित्य नोट लगा के लिख लो, उपवेद वैदिक साहित्य में नहीं आता
ठीक है, फिर लिखो। आर्य सर्वप्रथम पंजाब प्लस अफगानिस्तान में बसे बसे फिर कुरुक्षेत्र के नजदीक ब्रह्मवत ऋग्वेद में गंगा का एक बार व यमुना का तीन बार जिक्र है। यमुना का तीन बार जिक्र है। जिक्र है। अफगानिस्तान चार नदियों का जिक्र है। ठीक है, लिखो। नंबर एक कुंभ या काबुल। नंबर दो कुम्मु या कुर्रम। ठीक है। नंबर तीन गोमती या गोमल। स्वास्थ्य या स्वात। पोल्ट्री क्लास नहीं लगती क्या? रमाकांत जी को पूछना, आज या कल में सेट कर देंगे। सर आपका जोरदार प्रदर्शन है, थैंक यू। अभी कर दूंगा मैं पॉलिटिकल वाली आपकी समस्या, अभी पूछ लूंगा। अच्छा, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मिली होगी आज। वीडियो के अपवेद भी लिखाओ, वेदों के उपवेद लिखाओ। अभी नहीं तो वेद होने तो दो, अभी नहीं चलने दो। वेदों के उपवेद सब आएंगे इमराज। चुप हूं यूं अल्फाज कम है चुप हूं। अरे तो पढ़ लो शायरो, शायरी बातें सुना बकरियो। सर आप मेरे सबसे फेवरेट गुरु जी हो। ओहो चलो लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट लिखो आर्यों का मूल स्थान। आर्यों का मूल स्थान, ठीक है। पहला लिखो भारत। भगवान दास कीडवानी अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ आर्यास मानते। तिब्बत दयानंद सरस्वती जी, सरस्वती जी वे पार्टीजर मानते। ठीक है। तीसरो सप्त सिंधु प्रदेश,
अविनाश चंद्र दास संपूर्णानंद मान चार उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक दा पारक्टीज होम ऑफ द वेदास में मानते हैं। जर्मनी पेन का मानता है मध्य एशिया मैक्स मुलर प्लस जे जी रोड्स मानते कला संस्कृति की नहीं लगती है ऐसा थोड़ी हो सकता है कला संस्कृति क्लास आती है जिस संविधान की क्लास आ जाएगी कल अभी बात करूंगा मैं दोबारा चलो ठीक है अब हेडिंग डालो वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटा है ऋग्वेदिक हो जाएंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व ठीक है इसमें इसमें एक वेद ऋग्वेद आएगा तीन वेद वेद त्रय में ऋग्वेद प्लस सामवेद प्लस यजुर्वेद आएगा अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है शामिल नहीं
लिखो लिखो, इंडियन ही कोर्स से जिसने लिया है उनकी पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लास अभी शुरू नहीं किए। हाँ ठीक है, हेडिंग डालो ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रारंभ, अग्नि उपासना से, ठीक है, मंत्र पद्य रूप में, जिनेरी ऋचा काव्य, ऋचा सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। रचना सप्त सेंदों प्रदेश में हुई, प्रदेश में हुई, प्रदेश में हुई, ठीक है। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, प्रथम व दसवां नवीन, नवीन मंडल, ठीक है। देखो ऋग्वेद में मंडल सीधे लिख दो, अलग से लिख देता हूं, मंडल 10 सूक्त बराबर 1017, आठवें मंडल परिशिष्ट जोड़े जोड़ने पर बराबर 1028। सूक्त फिर लिखो, मंत्र बराबर 10,600 या 10,500 से, ध्यान रहे क्योंकि कई रिपीट हुए हैं, इसलिए कुर्ची आपकी राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश से आगे भी अपलोड करो। अच्छा बग अपलोड नहीं, बता दो कोई बात नहीं कहेंगे, ठीक है। लिखो वेदों का संकलन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया, वेद व्यास ने किया, पढ़ने वाले को होत्रा, इंपॉर्टेंट है ये, अकाउंटमेंट हो सर। आप वालों को गुरुकुल की ऑफलाइन क्लास भी, हाँ ऑफलाइन है ना, ऐप वालों के लिए क्या, अरे वो रजिस्ट्रेशन करवा दो तुम, यूट्यूब वाली आज लगेगी पूजा गुरु जी की, तो बताओ ऐसा ही की, ऐसा ही बताओ। शिक्षण विद्या जो है वो करवाएंगे, चिंता मत करो, आपको बुरा लगा तो मैं कमेंट मत करूं, क्या हो राजस्थान ज्योग्राफी वाले सर हमारी कोई बात ही नहीं मानते हैं, वे नोट्स लिखाते हैं, वे बोलते हैं कि क्लास को दोबारा देख ले, नोट ले लो, इतना नेट नहीं है कि हमारे पास, प्लीज़ उनको बोलो साथ साथ लिखवा दे, चलो देखूंगा। मंत्र श्लोक, मंत्रों को ऋचा कहा गया है,
समझे, ऋचा बोलते मंत्र बोलते, बात एक है, गंगाधर कहते शक्तिमान कहते। गुरुदेव मैंने पहले आपसे पुलिस वाले बेंच में नोट्स बना लिए हैं, अब थोड़े बनाने जरूरी है, क्या रहने दे? ये बात है। अच्छा कितने हो गए? 52 मिनट हो गए। 10 का 10 मंडल लिखी जाए तात कुछ 52 मिनट में भाई। कोर्स इतिहास को तो बुए को अपलोड नहीं कर रहे हम आपके। ऑफलाइन का भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। चलो तो फिर 10 मंडल तो कल ही लिखेंगे। ओके थैंक यू। चलो।